मैं डॉक्टर पीएल गुप्ता, आईएमए प्रेसिडेंट मऊ। डॉक्टर साहब, किस तरह की समस्या है और आज आखिर आपके बीच में, कल एक छोटे से विवाद के बाद डॉक्टर एफडी आशीष साहब आपके पास है, क्या मैटर है पूरा? हमने देखा कि कल किसी मरीज को लेके और बंदूक के साथ कुछ लोग गए, जो ये मेडिकल उसके लिए बहुत ही दुखद है कि पेशेंट के साथ बंदूक वाले जाएं और वहाँ डिस्टर्ब करें, और सीरियस मरीज बिना किसी डॉक्टर के बैकअप के किसी जगह को ले जाना। एक तो ट्रांसपोर्टेशन में भी गड़बड़ी हो सकती है और वहाँ कुछ हादसा हो सकता है, तो ऐसे लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उसके खिलाफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और प्रशासन इस पे जांच करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर विवाद का कारण क्या, क्यों उन्होंने ऐसा किया, या डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर एफडी आशीष साहब ने पेशेंट को क्यों नहीं देखा? पेशेंट सीरियस था, वो उनके साथ कोई डॉक्टर भी नहीं था और साथ में दो लोग बंदूकधारी थे, तो ऐसे में डॉक्टर तो बंदूक देख के पहले ही डर जाता है, और जब पेशेंट सीरियस है तो वो ये सोचे कि अगर यहाँ कुछ हो जाता है, कोई डॉक्टर उसके साथ नहीं है, तो इसलिए इन्होंने रिफ्यूज किया। और ऐसी घटना शायद पहले भी यहाँ हो चुकी है, लेके आए थे, मतलब डॉक्टर एफडी आशीष साहब के साथ ही हुई है। हाँ, ये बता रहे हैं कि 16 तारीख को ऐसा ही इनके साथ एक घटना और घटी थी और उसी हॉस्पिटल से पेशेंट आया था। अच्छा, आईएमए के प्रेसिडेंट की हैसियत से आप लोगों का अगला कदम क्या होगा सिक्योरिटी के लिए? आप लोगों के जो आजकल जैसे अभी बताया गया है कि माफिया बन गए हैं, मेडिकल के लोग माफिया बन गए हैं, तो ऐसे लोगों पे नियंत्रण करने के लिए लोगों को क्या करना है, अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं, प्रशासन को देखना चाहिए कि ये बहुत ही पायस प्रोफेशन है और जो डिग्री धारक हैं वही पेशेंट का इलाज करें। कुछ ऐसे भी हैं जो डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री है या कम डिग्री के हैं और वो अपने आप को स्पेशलिस्ट बना के कर रहे हैं, ऐसा कम से कम प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए और ऐसे लोगों को प्रैक्टिस से रोकना चाहिए, क्योंकि आवाम को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। कई बार पेशेंट बहुत खतरे में चला जाता है और क्वालिफाइड डॉक्टर सुविधा के बाद भी उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मेरा यही है कि ऐसे लोगों को प्रैक्टिस करने से रोकना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए कुछ कागजी कार्रवाई करेंगे? हम लोग शासन से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शासन से यही कहेंगे कि ऐसे लोग जो जिनके पास सक्षम डिग्री नहीं है वो कम से कम पेशेंट का हैंडलिंग ना करें, इसके लिए जांच करके उचित कदम उठाना चाहिए प्रशासन को। डॉक्टर एफडी आशीष साहब की मुसीबत की घड़ी में आप लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे? बिल्कुल, आईएमए मेंबर हैं और आईएमए हमेशा से मेंबर के साथ रहा है। अच्छा, आप लोग आईएमए में मेंबर किसे बनाते हैं? जो प्राथमिक डिग्री है एमबीबीएस, जो एमबीबीएस है वो आईएमए का मेंबर हो सकता है। अभी इन्होंने कल घटना घटित किया है, बंदूकधारियों के साथ पहुंच करके डॉक्टर साहब को हड़का रहे थे, उन्होंने बताया कि वो आईएमए के मेंबर नहीं है, तो आखिर वो आईएमए में शामिल क्यों नहीं किए गए? नहीं, आईएमए के लिए ये एक योग्यता होनी चाहिए एमबीबीएस की, वही आईएमए का मेंबर हो सकता है, दूसरा कोई आईएमए का मेंबर नहीं हो सकता। आयुष है, आयुष में हो सकता है अगर वो उसके पास बीयूएमएस, एबीएमएस या बीएमएस की डिग्री हो तो आयुष का सदस्य बन सकता है, लेकिन आईएमए के लिए एमबीबीएस जरूरी है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर एफडी हाशमी। आज प्रेसिडेंट साहब के साथ आप अपने मौजूद हैं जी, आपका दर्द कुछ हल्का हुआ? इस दुख की घड़ी में सब लोग साथ हैं, ये अच्छा लगता है कि आईएमए के परिवार के सब लोग, जब भी कुछ मुसीबत आती है तो सब लोग साथ में रहते हैं। बहुत उम्मीद है कि आईएमए भी हमारे साथ है। कल की घटना के बाद से जी आपको कैसा महसूस हो रहा है? कल की घटना से तो सुरक्षा की दृष्टि से तो परिवार भी यही बोल रहा है कि आप लोग शाम को जल्दी बंद करके चले आया करिए, अंधेरा होते ही चले आया करिए, अदरवाइज़ हम तो रात को 8-8 बजे तक बैठते थे, लेकिन अब उम्मीद कम है कि ऐसी प्रैक्टिस फिर कर पाएंगे। शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि हमें कम से कम, हम डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दें शहर में,
अगर हम शहर को कुछ दे रहे हैं तो। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सीएस साहनी, सचिव आईएमए मऊ। राठ साहब, आप लोग काफी एक्टिव हैं अपने आईएमए के मेंबर्स के लिए, जो कल घटना इनके साथ घटित हुई है, आपके किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? ये कल घटना पर स्थल पर डॉक्टर साहब के द्वारा, डॉक्टर एफडी हाशमी के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया, तो मैं तत्काल पहुंचा और सारा कुछ देखने पर ये चीज़ें सामने आ रही है कि जो नॉन डॉक्टर्स हैं, जो मरीज देख रहे हैं या उसमें हैंडल कर रहे हैं लोग मरीजों को, उनको मेडिकल में पेशेंट किस लेवल का है, सीरियस है, ओपीडी है, उसको कैसे हैंडल करना है, किन सुविधाओं के साथ हैंडल करना है, उनको मालूम नहीं होता है, वो उन चीज़ों को समझते नहीं हैं और डॉक्टर के पास जा कर के वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि डॉक्टर जो है मरीज चाहे जैसा हो उनके अनुसार से देखे। तो इस तरह का मामला है, गन लेकर के डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर मरीजों के बीच में जो है दो लोग अगर जाएंगे तो हमारे देश की जनता बंदूक से काफ़ी डरती है, तो एज ए डॉक्टर भी डरता है, बाकी मरीज भी, तो मरीजों में काफ़ी एक दहशत और डॉक्टर के अंदर भी एक डर का माहौल हो जाता है। ऊपर से अगर बोलने वाला मेडिकल एटिक्वेट नहीं फॉलो करने वाला है, वो नॉन मेडिकल है, तो उसकी भाषा भी उसी तरह की होगी, हथियार के दम पर बोलने वाली, तो इस तरह का मामला रहा है। तो इसमें हमारी तो यही लोगों से अपील है कि इस तरह के अस्पतालों पर ना जाएं, जहां पर प्रशिक्षित और डिग्री धारक मिनिमम MBBS हैं, और बाकी अगर दूसरी पद्धति का इलाज जो कर रहा है तो उसके पद्धति वाले जाएं, नहीं तो कम से कम जो है सीरियस मरीज जो इस तरह के हैं तो एक अच्छी डिग्री वाले के पास जाएं। और शासन प्रशासन से गुजारिश रहे है कि जो लोग बिना डिग्री के, बिना वैल्यूएबल डिग्री के अपने अस्पताल चला रहे हैं और सीरियस पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, ये समाज के हित में नहीं है। सीरियस मरीज ICU सुविधाएं वहीं रहे जहां पर वैल्यूएबल डिग्री है, वहीं इलाज करें। और जो हॉस्पिटल्स भी चल रहे हैं, अगर किसी डायग्नोस्टिक के लिए अगर भेज रहे हैं, सीरियस मरीज को कहीं भेज रहे हैं, तो ऐसा कहीं प्रोटोकॉल नहीं है कि आप सीरियस मरीज़ को भेज दीजिए अल्ट्रासाउंड कराने, एक्सरे कराने, रास्ते में उस ऑक्सीजन पर है मरीज़ भेज दीजिए, तो उसमें बड़ा गड़बड़ है। या तो आप जानबूझ के सिंपल मरीज को ICU में रख के ऑक्सीजन भेज रहे हैं, या फिर आप सीरियस को भेज रहे हैं तो उसकी जान का जोखिम ले रहे हैं, और उसको कहीं भी रास्ते में डायग्नोस्टिक सेंटर पर उस मरीज़ की कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसा ना करें। जिसको ICU के मरीज़ का अल्ट्रासाउंड कराना है तो अपने ICU में अल्ट्रासाउंड एक्सरे की मशीनें आती हैं, वहाँ रखें, वहाँ पर वो कर सकते हैं। उसके लिए हमारे देश के की शिक्षा व्यवस्था का गाइडलाइन भी है और हॉस्पिटल्स की भी गाइडलाइन है सरकार की है कि आप ICU में एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन रख सकते हैं, इसके लिए इस तरह के मरीजों को बाहर ना भेजें। अच्छा, ये कहा जा सकता है स्पष्ट शब्दों में कि मेडिकल की आड़ में माफियागिरी की जा रही है? अब जब दूसरे लोग जिनको मेडिकल का बहुत चीज़ें जानकारी नहीं है, वो लोग अगर हॉस्पिटल चलाएंगे तो इस तरह की स्थिति आए दिन उत्पन्न होगी, इसको प्रशासन को संज्ञान में लेना पड़ेगा। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।